अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी खुशी खान। कैसे हैं सब लोग? तो मैंने मंगवाई थी कुछ चीज़ें, ऑर्डर की थी व्लॉगिंग किट, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि बिगनर्स के लिए, जो व्लॉगर्स होते हैं, बिगनर व्लॉगर्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और लाजमी नहीं है कि आप DSLR आप कैमरा ले लें, आपके पास सिंपल एक मोबाइल होना चाहिए, आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है, ये मैंने मंगवाया था यहाँ पे ट्राईपॉड, मिनी ट्राईपॉड बोलते हैं इसे, इसके साथ ही एक माउंट भी मुझे मिला था और इसकी प्राइस आई थिंक 500-600 कुछ इस तरह से थी। और इसके साथ यहाँ पे मैंने एक माइक मंगवाया था, हैंड पीस मंगवाए थे और ये स्टेबलाइजेशन के लिए मैंने मंगवाया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्राईपॉड का दिखा देती हूँ। तो ये है मिनी ट्राईपॉड, इसको आप रख भी सकते हैं और इसको आप हाथ में पकड़ के, इसमें कैमरा फिट करके भी आप वीडियो अपनी शूट कर सकते हैं कहीं बाहर जाके, ठीक है। तो ये है इसका माउंट और ये माउंट आप इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं बिल्कुल, तो ईज़िली फिक्स हो जाता है, बस उसके रोटेट करना है आपने उसमें, तो ये फिक्स हो जाएगा। तो इसको आप इजीली फिक्स कर सकते हैं और आपकी वीडियोस इससे बहुत अच्छी शूट होती हैं, और आप कहीं टेबल वगैरह पे भी रख के इसको अपनी वीडियोस वगैरह आप शूट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी इसकी वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लास्टिक का है लेकिन बहुत ही अच्छा मटीरियल है। यहाँ पर मैंने मंगवाए थे हैंड फ्रीज और ये थे सैमसंग के, मुझे ज़रूरत थी तो इस वजह से मैंने हैंड फ्रीज मंगवाए। तो ये है फुल ब्लैक कलर में और ये आई थिंक कोई 200 के इतने थे, तो ये मैंने मंगवाया था यहाँ पे। तो इसके हैंड पीस भी ये काफ़ी अच्छे हैं, हैंड पीस आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब व्लॉगिंग के लिए तो ये नहीं है, हाँ इसका माइक अच्छा होता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, यहाँ पे मैंने मंगवाया था बोया का BY-MM1 माइक। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी व्लॉगर्स हैं, बिगनर्स ही नहीं जो बड़े व्लॉगर्स हैं, वो ये वाला माइक यूज़ करते हैं। इसके साथ यहाँ पे एक इसकी कनेक्टिंग वायर मिल जाती है और ये है बोया का BY-MM1 और ये है डेड कैट। तो इस माइक को डेड कैट माइक भी कहते हैं, मैं अंदर से निकाल के दिखाती हूँ। तो ये आप देख लें कि माइक कितनी अच्छी क्वालिटी का है और ये वाला माइक की साउंड वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बैकग्राउंड नॉइज़ को बहुत अच्छे से कैंसिल करता है क्योंकि ये चारों तरफ से आपकी वॉइस पिक नहीं करता, आपके बिल्कुल सामने जब होगा तो वॉइस आपकी पिक करेगा और विंड जो है, विंड की नॉइज़ नहीं आएगी और एक्स्ट्रा जो नॉइसेस होती हैं एटमॉस्फेयर की, वो नॉइज़ जो है रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये माइक बहुत ही बेस्ट है। तो इसकी प्राइस 3500 समथिंग है, तो इसका मैं आपको फुल रिव्यू भी दूंगी अलग से बना के और मैं आपको साउंड क्वालिटी में फ़र्क भी दिखाऊंगी। और व्लॉगिंग के लिए जितने भी व्लॉगर्स हैं, बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, वो सब लोग ये वाला माइक यूज़ करते हैं। इसके साथ ये 2-in-1 जो है कनेक्टिंग वायर मिल गई थी जिसमें आप अपना हैंड फ्री या माइक वगैरह लगा सकते हैं। और ये है स्टेबलाइजेशन के लिए, इसके ऊपर इसको आप ट्राइपॉड पे फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक तरफ माइक लगा सकते हैं या आप LED लाइट जो लगानी होती है वो लगा सकते हैं, इसके बीच में आप मोबाइल फिक्स करके आप अच्छी सी वीडियोस बना सकते हैं। तो ये जो माइक है, इसका जो है एक मैं अच्छे से रिव्यू अलग से करूँगी जिसमें मैं आपको साउंड क्वालिटी भी दिखाऊँगी कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और क्या फ़र्क पड़ता है आम शूटिंग से और इस माइक से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने लोकली मंगवाई थी और ये जो सर्विस प्रोवाइड की थी डिलीवरी की, ये है जी वजह। तो सेम डे ही इन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें डिलीवर कर दी थी। तो इनका जो है फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, किसी को भी कोयटा में लोकली अगर उनको सर्विस चाहिए हुई तो वो इनसे कॉन्टेक्ट करें, बहुत ही अच्छी सर्विस है इनकी और ये फूड सर्विस यहाँ प्रोवाइड करते हैं, डिलीवरी, गिफ्ट वगैरह, A to Z ऑल। तो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो इंशाल्लाह आगे मिलेंगे और वीडियोस के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।